गाइस वेलकम टू माय माइनक्राफ्ट क्रिएटिव वर्ल्ड। तो गाइस ये है मेरा माइनक्राफ्ट वर्ल्ड और आप सोच रहे होगे कि मेरा घर कहाँ है। ये रहा मेरा घर, पता है ऐसा ही है थोड़ा, पर देखते हैं चलो कैसा है। मैंने पहले भी इस पर थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, पर मैंने अभी इसे थोड़ा मतलब इस पर काफ़ी सारे अपग्रेड किए हैं। अपग्रेड नहीं मतलब थोड़ी मॉडिफिकेशन भी नहीं, कुछ भी किया मतलब किया है, कुछ भी किया है। ये मेरे 3 ट्रीज है प्यारे प्यारे, और ये मैंने कुछ बनाया था बहुत पहले, अब मेरे को इसका याद नहीं है क्या है। ये मेरे 2 बीकन्स हैं, डायमंड बीकन और नेदर राइट। भाई क्रिएटिव में ही बनाया, ज़्यादा शौक मत हो कि मैं क्रिएटिव में ही बना रहा हूँ, मेरे को सर्वाइवल खेलनी नहीं आती है। और ये मेरे 3 पैरेट हैं, वो 3 नहीं 5 पैरेट हैं। चलो मैं आपको अब अंदर से दिखाता हूँ कैसा है। अभी जा रही है, देखो देखो देखो, यहाँ थोड़े डेकोरेशन के लिए वैसी चेस्ट वगैरह रखी है, और यहाँ इस पर काफ़ी सारी फिशेज हैं। फर्स्ट रूम है हमारा स्टोरेज रूम, जिसमें मैंने बहुत कुछ रख रखा है खाली। वाओ। और ये काम करने वाला रूम है, अब मेरे को नाम नहीं पता, अब मैं काम करने वाला रूम ही कहता हूँ उसे। ये मेरा काम करने वाला रूम है। आगे यहाँ पे एन्चेंटिंग रूम, जहाँ मैं कुछ एन्चेंट नहीं करता। और ये है मेरा बेडरूम, ये मेरा पूरा बेडरूम है। और ये यहाँ ये टीवी है, जो कि ना अलग अलग चल सकता है, थोड़ी स्क्रीन पे आप कुछ और देख सकते हैं, थोड़ी स्क्रीन पे आप कुछ और देख सकते हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है अंडरग्राउंड बेसमेंट, जहाँ मैंने बकवास बकवास की चीज़ें बना रखी हैं। पर एक चीज़ सही है, एक और बस। यहाँ पे मेरा एडिटिंग रूम है, यहाँ मैं एडिटिंग करता हूँ चीज़ों की एडिटिंग, चीज़ों की नहीं वीडियोस की। उसको बंद कर देते हैं, नहीं तो पता चल जाएगा यहाँ पे मेरे कोई रूम है, वैसे कोई है नहीं है फिर भी। भाई आप सोच रहे होगे स्टेयर्स कहाँ जाती है, मतलब सीढ़ी, चलो देखते हैं कहाँ जाती है। अरे ये मेरे को पता कि मैंने ऐसे ही बना रखा है, ज़्यादा सही नहीं है, पर फिर भी चलो। ये स्टेयर जाती है भाई एक मंदिर में, हाँ जी मैंने एक मंदिर भी बना रखा है, ये मंदिर है। रास्ता है जिससे हम नीचे जाने के लिए, वहाँ से ऊपर आओ और यहाँ से नीचे जाओ। हाय 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 हाय, यहाँ से मैं नीचे जा सकता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है, बताएंगे रुको जरा सब्र करो। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, पेड़ ही पेड़ होते हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है पेड़। यहाँ से चली जो। अब आप सोच रहे हो ये रास्ता जाता कहाँ है, भाई कहीं नहीं जाता है, ये जाता मेरे घर के बाहर ही है। चलो 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 चलो, ये देखो ये ऐसे है, ये यहाँ से आप वहाँ जा। अरे यार इसमें मेरे वर्ल्ड में बारिश बहुत ज़्यादा होती है भाई, बहुत ज़्यादा। और ये अपना इंडिया का फ्लैग भी है। और हाँ एक चीज़ तो मैं भूल ही जाता, यह स्विमिंग पूल, जितना मर्जी तैरी लगाओ जितना मर्जी, पर अभी तो बारिश हो रही है, चलो कोई बात नहीं। और ये मेरी नेदर पोर्टल है। तो गाइस ये रोलर कोस्टर जो कि मैंने खुद बनाया है, चलो देखते हैं कैसा है।
पहले हम एक माइंड कट लेंगे, देखेंगे, राइट करेंगे, शुरू। बस आपको शुरू से लेके लास्ट तक आपको यही लाइट्स दिखेंगी। लाइट्स तो नहीं, अब इनका नाम मैं भूल चुका हूँ क्या है। चले जाओ चले जाओ चले जाओ, चल 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 चलो। ये काफ़ी दूर है, मतलब काफ़ी तो नहीं कह सकते पर दूर है काफ़ी। होते ओ भाई, लोग सुन रहे हैं पागल हो गए। ओ भाई 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 भाई, ये पहले से बीच में काफ़ी सारी माइंड क्राफ्ट चल रही है, सब करके थोड़ा काम खराब होता है। समझा करो समझा करो, बस ये ऊपर है, ऊपर तक ही जाना है हमें। यहाँ पे एक मेरा छोटा सा प्यारा सा एक घर है, छोटा सा ही है, बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ इस साइड जाओगे बस आप थोड़ा बैठ सकते हो, हरियाली वरियाली है यहाँ पे बहुत ज़्यादा काफ़ी। ओके अब तो मेन चीज आने वाली है, अब जैसे ही इस बटन को दबाएंगे, जैसे ही ऐसे नहीं हो, अरे कुछ ना कुछ तो हुआ है। हाँ ये देखो ये देखो ये देखो, अब देखो है। मैं इतनी पागलपंतियाँ खुद हूँ, मेरे को खुद नहीं पता। चलो भाई हम अपने मेन काम पे आते हैं। ये भाई मेरा एक छोटा सा किचन है, छोटा सा। यहाँ पे मेरे क्राफ्टिंग के लिए बहुत सारा कुछ पड़ा है, सामान, एंगल है, क्राफ्टिंग टेबल है और बहुत कुछ है। यहाँ पे आपको मिलेगा इंडिया का फ्लैग जो कि है सल्फर बॉक्सेस, तो यहाँ पे आप सो सकते हैं बेड पे आराम से, जो कि मैं अभी नहीं सोना चाहता। और हाँ मैंने इस अपने उसमें एक जू भी बना रखा है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो गाइस ये है मेरा जू, यहाँ मैंने काफ़ी थोड़ी डेकोरेशन कर रखी है। यहाँ हमारा फ्लैग है और यहाँ भी हमारे इंडिया का फ्लैग है। ये है टिकट काउंटर, अरे यार मैं नुकसान कर जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई दिखाया नहीं है, ले कह सकते हैं, मैं मल्टीप्लेयर में खेलता ही नहीं हूँ। ऑटोमेटिक डोर, यहाँ जाके आपको मिलेंगे रैबिट्स, रैबिट्स के बाद जो कि अभी बाहर नहीं घूम रही है। इसके बाद है काउस, रेड मशरूम काउस। उसके बाद आपको मिलेंगी टर्टल्स, यहाँ है लामास, चिकन्स एंड पांडा। ये मेरे कुछ जू में जो एनिमल्स हैं वो हैं। अब मैं आपको ले जाऊँ एक्वेटिक वाले पार्ट में। यहाँ पे एक फाउंटेन है, दो फाउंटेन है। यहाँ पे आपको मिलेंगी डॉल्फिन, यहाँ पे फिश, इसका मैं नाम भूल गया हूँ, पर ये फिशेस है, पफर फिश, ये भी फिशेस हैं। और यहाँ पे ये भी रख रखे हैं मैंने काफ़ी, फोर है, 1 2 3 4। यहाँ पे एक होल मेन फीचर है पर अभी शायद वो फेल हो जाएगा मेरे हिसाब से। ये लाइट्स नीचे भी चल जाती हैं लाइट, और ये ऊपर भी आ जाती हैं। तो इसको तब फायदा है जब अरे भाई 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 लाइट्स बड़ी चल रही है। चलो चलो, अरे यार मेरे को जाने में बड़ा मुश्किल लगता है, मैं क्रिएटिव में कभी खेलता हूँ, सर्वाइवल में मजा आता है। ओ फेल हो गया, बहुत खेल गया खुल गया। तो गाइस मैंने अभी यही बनाया है जू में,
जू के बाद अब मैं आपको लेके जाऊंगा स्विमिंग पूल पे। तो गाइस ये है मेरे स्विमिंग पूल। आ जाती है यहाँ पे लैडर्स जो कि मैंने डार्क ओक फेंस की बनाई है। इसके अंदर डुबकी मारिए सर्वाइवल में, तब आपको पता चलेगा। अब जैसे ही स्विमिंग कर लेंगे उसके बाद है आपके लिए शावर रूम। शावर रूम में जाइए, बटन को दबाइए और यहाँ बैठ जाइए। बैठ जाने के बाद बटन को दोबारा दबाइए, शावर बंद हो जाएगा और यहाँ से बाहर निकलिए। बाहर निकलने के बाद अपने अपने घर को भाग जाइए कृपया करके। देख रहे हो बाइक की डेकोरेशन, बाइक की डेकोरेशन। वैसे डेकोरेशन के नाम पे मैंने कुछ नहीं किया भाई, ये इतना ही था। इसके बाद एक लास्ट चीज रखी है जो कि है ये वाला रूम या घर कह लो। इसके अंदर जाते ही आपको मिलेगा कुछ ऐसा डिजाइन घर। मैं क्या कह रहा हूँ, डेकोरेशन। आपको कुछ मॉडर्न सोफास मिलेंगे, सोफास नहीं सोफा। ओ भाई मेरे को क्या हो गया। यहाँ पे आप टीवी देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एक्वेरियम है जिसमें दो तीन मछलियाँ मैंने कैद कर रखी। बस इसके बाद आप ऊपर जाइए, बस। और मेरा घर इतना ही है, आपको लग रहा होगा कि छोटा है पर ये काफ़ी छोटा नहीं है भाई, बनाने में बहुत टाइम लगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।